नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक टैक्टिक्स में हम देखेंगे क्लियरेंस सेक्रीफाइस। क्लियरेंस वर्ड से जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मेरा कोई एक पीस ऐसे स्क्वायर पर बैठा हुआ है जो वहाँ से अगर वो स्क्वायर खाली हो जाए तो मेरा दूसरा पीस उस स्क्वायर पर आकर बैठेगा, वहाँ से वो ओपोनेंट के पीसेस पर अटैक करेगा कि जिससे मुझे कुछ एडवांटेज मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले फिर से हम हमारी मेथड लेंगे, फ्रॉम ए फाइल टू एच फाइल, नंबरिंग ऑफ पीसेस विच इज़ 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। और इसको हम हमारी जो 4 मेथड्स थी, अटैक, कैप्चर, सेक्रीफाइस, फोर्स, जैसा कि मैं मेरे इसके पहले के सभी टैक्टिक्स वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 नंबर का पीस कुछ भी नहीं कर सकता है। इस नाइट के पास भी कोई मूव नहीं है क्योंकि नाइट D6 खेलकर अगर आगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि F6 स्क्वायर के ऊपर मेरी क्वीन है, तो यहाँ मैं खेल रहा हूँ Q×D8 चेक, और ये मैं कर रहा हूँ कैप्चरिंग मूव प्लस सेक्रीफाइस मूव। यहाँ पर ब्लैक खेलेगा R×D8। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि F6 स्क्वायर वेकेट हो चुका है, जिस पर मैं खेलूँगा Nf6 चेक। अब ये नाइट फोर्क है, किंग क्वीन दोनों पर अटैक है। ब्लैक खेलेगा Kg7, Nc×H7, Kc×H7। तो इस टेक्निक का यूज़ करके मुझे मटेरियल एडवांटेज गेन हुआ। अब आप देख रहे हैं कि किंग एंड रुक पॉन एंडिंग्स में मेरे पास एक पास पॉन है प्लस एक एक्स्ट्रा पॉन है। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ये सेकंड एग्जांपल है क्लियरेंस सेक्रीफाइस का। यहाँ अब हम ये जानेंगे कि वाइट से मैं कौन सा स्क्वायर वैकेट करूँ कि जिससे मेरा दूसरा पीस उस स्क्वायर पर आकर बैठे और मुझे कोई अटैक मिले। तो ये करने के पहले फिर से हम हमारी मेथड करेंगे, फ्रॉम ए फाइल टू एच फाइल हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि इसके चलने से क्वीन पे अटैक आ रहा है, 6 नंबर एंड 7 नंबर। तो ये सबसे पहले हमने नंबरिंग करी। अब 7 में से 6 पीस को हमको माइनस करना है हमारी जो मेथड थी अटैक, कैप्चर, सेक्रीफाइस, फोर्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों रुक को माइनस कर रहा हूँ, इस बिशप को माइनस कर रहा हूँ, तो 3 पीस माइनस हो गए। अब हम देखते हैं कि इन 4 में से किसका मूव होगा। अब अगर मैं Bg7 खेलता हूँ तो Q×G7 आएगा, और अगेन मैंने Qg7, Kg7 हम दोनों ने खेला तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पर बिशप माइनस होगा। सिमिलरली Q×G7 खेलकर भी सिर्फ पीसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अब बचा ये नाइट और ये पॉन। नाइट का भी आप देख रहे हैं कि Nd4, Nh4 इस तरह के कोई भी मूव्स यूजफुल नहीं है, तो सॉल्यूशन है हमारा ये पॉन। अब इसको मैं चलूँगा G6 स्क्वायर पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो ब्लैक की क्वीन पे अटैक कर रहा है, प्लस Q×H7 चेकमेट के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पॉन को मारना कंपलसरी है। अब ब्लैक अगर Hc×G6 मारता है सपोज, तो यहाँ पर Hc×G6 पर मैं खेलता हूँ Ng5। अब इस कंडीशन में ब्लैक की क्वीन के ऊपर अटैक है, तो यहाँ पर या तो उसको क्वीन देना पड़ेगी या तो मैं नाइट के सपोर्ट पे Q×H7 मारकर उसकी चेकमेट कर दूंगा, क्योंकि जो किंग है वो यहाँ F7 स्क्वायर से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि G5 पर नाइट बैठा है। अब यहाँ सेकंड कंडीशन है कि अगर ब्लैक ने खेला Q×G6, तो अब मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ Bg×G7। आपने देखा कि कैसे क्लियरेंस सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज़ कर मुझे यहाँ पर मटेरियल एडवांटेज गेन हो चुका है। मैंने ब्लैक के 3 पॉइंट्स फ्री में मार लिए हैं। अब किंग से G7 मारना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन का चेक आ जाएगा। उसी तरह अगर ब्लैक ने Q×G7
एच सिक्स पर मेरी क्वीन मारी, तो मैं बिशप क्रॉस एच सिक्स पर उसकी क्वीन मारकर 3 पॉइंट्स का एडवांटेज लेके गेम को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर ब्लैक ने क्यू क्रॉस जी सेवन मारने की कोशिश करी, तो अब मेरे पास सिंपल मूव है Rd g1। अब मैंने ब्लैक की क्वीन को पिन कर दिया है, वो मेरी वाइट की क्वीन को नहीं मार सकती क्योंकि पीछे एब्सोल्यूट पिन है, पीछे किंग है, जिसकी वजह से उसको चेक हो जाएगा। तो ये क्लियर एंड सेक्रीफाइस का मेरा दूसरा एग्जाम्पल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।